अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर का, आपके टेंसेस में पास्ट परफेक्ट। बेटा हमने इसके पढ़ने के बाद इसको डू एज डायरेक्टेड पढ़ना है बेटा। अच्छा देखो बेटा, हमारे पास देखो इसका स्ट्रक्चर सामने आ रहा है बेटा। अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब वो हेड आ रहा है, लेकिन अब ये मत समझ लीजिए ना बेटा कि इसका ये होगा कि चुका था चुकी थी, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट को यूज़ करने की एक शर्त है। अच्छा वो होता क्या है कि अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है और डायरेक्टली बस उनको ये पढ़ के आए थे भाई चुका था चुकी थी चुके थे, ये जो है पास्ट परफेक्ट है बेटा। ऐसा नहीं होता, एक पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अलग अलग टेंसेज हैं तो जाहिर सी बात है उसका एक उसकी एक लॉजिक भी होगी। अब जरा ये देखो क्या लिखा हुआ है। जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। अब जरा नोट करो, यहां पर ये दो पार्ट हैं, दो काम हो रहे हैं, दो अलग अलग चीजें। जब मैं घर पहुंचा, एक काम है मेरा घर पहुंचना, और तो मेहमान जा चुके थे, बे गए मेहमानों का जाना। मतलब ये दोनों बातें पास्ट में ही हुई हैं, एक पहले हुई एक बाद में हुई, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि दोनों की दोनों बातें पास्ट की हैं और दोनों का कंपैरिजन है भाई, तभी तो पता चल रहा है कि जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। तो इसके मुताबिक बेटा जो चीज पहले हुई होगी ना, टाइम ड्यूरेशन जो, मतलब जो टाइम चल रहा है हमारे पास, उस टाइम में जो पहले चीज हुई वो पास्ट परफेक्ट आता है, और जो उसके बाद हुई होगी वो आता है क्या, सिंपल पास्ट आता है। तो बताओ पहले वाला काम कौन सा हुआ, पहले मैं घर पहुंचा पहले मेहमान गए। सोचो जरा सेंटेंस को देखकर बेटा, पहले क्या काम हुआ। तो अगर आप गौर करोगे आपको आइडिया होगा पहले काम क्या हुआ बेटा, पहले मेहमान गए थे। तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट आता है। अच्छा देखो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, इसके हमारे पास दो तरह के आंसर बनते हैं। एक तो बन सकता है व्हेन आई रीच्ड होम द गेस्ट हैड लेफ्ट, सही है। लेकिन देखो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास उर्दू में ये वाला पार्ट पहले लिखा है तो आपको इंग्लिश में भी पहले यही बात करनी है। जैसे कि लिखा ना जब मैं घर पहुंचा, तो लाजमी नहीं है कि पहले आपने यही लिखना है, इस बात को भी समझिए। यही वाला सेंटेंस आपका यूं भी लिखा हुआ आ सकता है, द गेस्ट हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड होम। लेकिन इसमें होगा क्या कि अब कॉमा नहीं आएगा, यहाँ कॉमा आ रहा है यहाँ कॉमा नहीं आएगा। अब आप बोले सर मेहमान जा चुके थे जब मैं, ये तो बड़ा बेटा, कभी भी मैंने क्या कहा कि कोई लैंग्वेज जो होती है ना वो 100% आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आप उसके करीब करीब की मीनिंग में ले जाते हो। तो यहाँ यही काम हमने यहाँ पर किया है, सही। तो लिहाजा इसके मुताबिक बेटा आपने क्या करना है, आपने इसको समझना है। अब अगला देखो क्या लिखा हुआ है, जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। एक है हमारा स्टेशन पहुंचना और एक है ट्रेन का रवाना होना। तो भाई पहले काम कौन सा हुआ है, पहले ट्रेन रवाना हुई है। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन वी रीच स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड, चली गई थी रवाना हो गई थी। या अगर स्विच कर दो तो क्या बन जाएगा, द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन वी रीच द स्टेशन, सिंपल एज दैट। अच्छा भाई अब आते हैं हमारे पास हमारे डू एज डायरेक्टेड जो ग्रामर में आता है कि अफर्मेटिव बनाओ, आसान है क्योंकि इतना कोई टिपिकल है ही नहीं। शी हैड नॉट वॉटर द प्लांट्स बन जाएगा शी हैड वॉटर द प्लांट्स, हैड दे नॉट वॉटर कार अफर्मेटिव बनाना है दे हैड वॉटर कार, हैड यू बीन टू लाहौर बनेगा यू हैड बीन टू लाहौर, वी हैड नॉट कम्प्लीट आवर वर्क वी हैड कम्प्लीट आवर वर्क, सिंपल आसान है बहुत। अब अगला बोल रहे हैं कि नेगेटिव बनाओ क्या बनेगा, ही हैज ही सबमिटेड द रिपोर्ट। तो नेगेटिव क्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शी हैज नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट। अगला है हैड दे नॉट बॉट अ कार, तो बोल रहे हैं क्या बनेगा, दे हैड नॉट बॉट अ कार। नेक्स्ट वन इज बेटा हैड यू बीन टू लाहौर बनेगा यू हैड नॉट बीन टू लाहौर। नेक्स्ट वन इज बेटा के वी हैड वॉन द मैच, तो क्या बोलेंगे, वी हैड नॉट वॉन द मैच। अगला बेटा आपके पास आ रहा है कि आपने इंटरोगेटिव बनाना है, तो बनेगा हैड शी नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट का बनेगा कि शी सॉरी ये बेटा हमारे पास ही हैड है, ठीक है ना, मैं आपके सामने अभी ठीक कर लेता हूँ उसको करेक्शन के तौर पे। अच्छा बेटा आप देखें इसका बन जाएगा हैड शी सबमिटेड द रिपोर्ट। अगला है दे हैड क्लीन देयर रूम का, क्या बनेगा हमारे पास हैड दे क्लीन देयर रूम, क्योंकि इंटरोगेटिव बनाना है। यू हैड बीन सेलेक्टेड हैड यू बीन सेलेक्टेड, सिंपल। अली हैड कम्प्लीट द प्रोजेक्ट हैड अली कम्प्लीट द प्रोजेक्ट, सिंपल सिंपल। अब देखो बेटा आपने, अगर आपके थोड़ी बहुत भी ग्रेप है ना आपकी टेंसेस की, आप लोगों के लिए कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, आप आराम से कर रहे होगे। पर बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बेटा मैंने जो आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बताया है वो याद रखिएगा कि किस तरह से वो रिक्वायरमेंट होती है कि दो एक साथ पास्ट टेंसेज यूज होंगे तब जाके वो आपके लिए पॉसिबल होगा। बट बेटा दैट्स इट फॉर टुडे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।